गाइस, मैं पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रही हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन मेरी ये जो बेबी है ना गन्नी जी, ये मेरे को रिकॉर्ड नहीं करने दे रही है। पता है, सारा काम वाम मैंने खत्म करा, मैंने सोचा कि ना आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा वैमरा लगा के तैयार व्यार होके बैठी, वैसे ही ये जाग गई है और मेरे को ही कंटिन्यू देख के जा रही है और नहीं सो रही है अब। तो मैंने कहा बेटा आप यहाँ पर लेटो, मेरे को अपना काम करने दो। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी, एंड मैं हूँ शिवी। और आज मैं आपके साथ एक रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ला ऑर्गेनो एलोवेरा जेल का। गाइस, ये जो ला ऑर्गेनो ब्रांड है ना, ये बहुत ही ऑर्गेनिक है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट ये बनाता है। ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कुछ प्रोडक्ट इसके, मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ और कुछ मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके। और लास्ट टाइम ही मैंने आपके साथ शेयर किया था इसका ऑयल, कंडीशनर और शैम्पू, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा है। और गाइस, इसको ना बेड पे नहीं लेटना है, इसको अपनी मम्मा की गोदी में लेटना है, मम्मा को तंग करना है, मम्मा को कुछ भी काम नहीं करने देना है, हंस के दिखा रहा है गुड्डा। हाँ, तो गाइज मैं क्या बोल रही थी कि ना, आफ्टर डिलीवरी मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, और फिर जाके मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया ला ऑर्गेनो का आर्गेन ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर। तो उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और जब से मैं उसको ही यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। और अब मैंने मंगाया है ये ला ऑर्गेनो का एलोवेरा जेल, क्योंकि पता है क्या, फिलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ कर पाऊँ। लाइक मेरे को बहुत डार्क सर्कल्स हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और फ़ोन में उतना नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है कैमरा जितना मेरे को रियल में हो गया है। और मेरी स्किन भी ना काफ़ी अनइवन हो गई है, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, ऐसे करके और भी बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे को हो गई हैं, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है और पिछले 2 हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। गाइस देखिए, आप सबने कभी ना कभी तो एलोवेरा जेल यूज़ किया ही होगा, कभी प्लांट वाला या फिर कभी और कोई सा जिसमें हार्मफुल कलर्स होते हैं वो वाला डेफिनेटली किया होगा, लेकिन ये वाला एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके जो प्लस पॉइंट है ना, देखिए सबसे पहले तो ये 99% प्योर है, कोई सा भी एलोवेरा जेल 99% प्योर नहीं आता है ना, तो ये प्योर है। एंड इसकी सेकेंड जो अच्छी चीज़ है वो है ये कि इसमें कोई सिलिकॉन नहीं है, सल्फेट नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, कोई एडिट कलर नहीं है, कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है। तो एंड अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो आप देख ही सकते हैं जो एलोवेरा की लीफ नहीं होती है, कुछ कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। एंड प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगाते हैं तो। ला ऑर्गेनो जो ब्रांड है उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ पे जाके भी एक बार ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जो कोड आपको नीचे दिख रहा है, अगर आप इसके थ्रू बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज़ जाइए और वहाँ पर जाके चेकआउट कीजिए। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको एक बार ज़रूर बाय कीजिए, एंड गर्मियों में तो ये मस्ट हैव है, आपके पास होना ही चाहिए। गाइस, अगर हम बात करें कि आप एलोवेरा जेल को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर मैं किस किस तरीके से यूज़ करती हूँ, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स एलोवेरा जेल के होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस किस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो देखिए गाइस, बेबी होने के बाद मेरे को उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने फेस पे नहाने के बाद फेस क्रीम भी लगा लूं, और इसी वजह से मेरा फेस जो है वो बहुत डल हो गया है, बहुत डल हो गया है। जो भी मेरे को मिलता है ना, वो मेरे को ये बोल देता है कि हाँ तुम्हारा फेस कितना डल हो गया है, तुम्हारा कलर कितना डार्क हो गया है। तो फिर अभी मतलब मेरी बेबी ऑलमोस्ट 3 मंथ की हो गई है, तो अब मैंने थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, जो मेरा फेस डल हो गया है, मेरी स्किन जो डार्क हो गई है उसको मुझे ठीक करना है। तो उसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, नहाने के बाद एलोवेरा जेल को अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ एज अ फेस क्रीम फेस। एंड बेबी को लेके धूप में बैठने की वजह से मेरी जो स्किन है उस पर हो गई है काफ़ी टैनिंग पूरे फेस पे, नेक पे, तो मैं इसको टैनिंग रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। एंड सबसे जो मेन प्रॉब्लम मेरे को है वो है डार्क सर्कल्स का,
मेरे को बहुत डार्क सर्कल्स हो गए हैं नींद पूरी ना हो पाने की वजह से, तो मैं इसको डार्क सर्कल रिमूवल भी यूज कर रही हूँ। मैं अपनी फिंगर पे इसको लेती हूँ, पूरे आईज के अराउंड अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। काफी अच्छा इसको लगाने के बाद लगता है, ऐसा कूलिंग सेंसेशन होती है, तो काफी अच्छा इसको लगता है। और हाँ गाइस, अगर आप चाहें ना तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद जब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना तो आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड अगर आपके लिप्स बहुत डार्क हो गए हैं तो डेफिनेटली आप इसको अपने डार्क लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पिंपल हो गया है तो उस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पिंपल का निशान हो गया है तो आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा हल्दी मिला के अपने पिंपल के निशान पे लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत डैंड्रफ है, डेफिनेटली आप एलोवेरा जेल को अपनी स्कैल्प पे लगा सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत रूखे सूखे बेजान हो गए हैं तो आप डायरेक्टली एलोवेरा जेल को हाथों पे लेके अपने पूरे बालों पे एज अ हेयर मास्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कीजिए। और चेकआउट क्या कीजिए गाइज, आप लोग बाय कीजिए एंड जो ये मेरा कूपन कोड है इसको आप यूज कीजिए और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाइए, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे कहने से ये एलोवेरा जेल जरूर बाय करेंगे। और यहाँ पे मेरा बेबी पहचान हो रहा है ना बाबू, तो ठीक है गाइस, इतास का वीडियो रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, न्यू है पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।